अल्ट्रा बेस 925, अल्ट्रा बेस 925 जो है अपना पुट्टी के लिए बढ़िया मशीन है। इससे पेंट और पुट्टी दोनों हो सकता है। आप दिन भर में 20-25,000 स्क्वायर फीट तक पुट्टी कर पाओगे। पेंट भी जो है आप अगर दो पाइप दो गन लगा के करते हो तो आप 30,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कर पाओगे। पुट्टी के लिए भी इसमें अगर आपके पास चाल सही है तो 25 ना सही 20 तो पक्का कर सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा काम ये करके दे सकती है। इसका भी जैसे हमने पेंट मशीन का किया था, बेसिक ऑपरेशन बहुत सिंपल है कि जब भी मशीन स्टार्ट करेंगे, पहले इसको रिटर्न मोड चेक कर लेंगे। रिटर्न मोड चेक करना या फ्लश मोड चेक करना मतलब ये रिटर्न हारा है कि नहीं वो देखना होता है। आप देखें ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है, रिटर्न आ रहा है, मशीन ओके है। अब रिटर्न मोड मैंने बंद किया, हल्का सा ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है आपको, 5 ml, 5 बूंद, 5 ml भी नहीं, 5 बूंद ऑयल डालना है। और अब ये गन में देख लेंगे कि प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया, गन में प्रेशर आ गया है। अब बहुत सिंपल है, अब हम पानी हटा करके पुट्टी का बाल्टी लगा देंगे। अब हम वापस रिटर्न मोड में रखे हुए हैं मशीन को, हल्का सा जो है अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आप देखें पहले इसमें से पुट्टी निकल जाना चाहिए, पुट्टी निकल गया। अब हमने स्प्रे मोड में डाल दिया, पर याद रहे दोस्तों 50 फीट लंबा मोटा वाला पाइप है, डायरेक्ट पुट्टी नहीं निकलेगा, पहले पानी निकलेगा, ठीक है। प्रेशर हल्का सा बढ़ा देता हूं, प्रेशर मैंने फुल कर दिया है। आप देखें पहले ये जो है पानी निकलेगा। जब हम इसको पुट्टी में काम करते हैं एक चीज का ध्यान रखना है, हमें इसका फिल्टर निकाल देना है, क्योंकि इसके अंदर जो फिल्टर रहेगा, हमने पुट्टी पास कर दिया लेकिन अभी ये देखें पुट्टी जब कर रहे हैं, पेंट के वक्त फिल्टर रखना है लेकिन पुट्टी के वक्त फिल्टर निकाल देना है। जी हाँ, ये याद रहे, क्योंकि पुट्टी में जो भी पाउडर रहता है वो फिल्टर के आगे चिपक जाएगा और ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो हमने फिल्टर फिल्टर होल्डर के साथ ही निकाल दिया है, ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब पेंट करेंगे तब ध्यान रखें, जब पेंट करेंगे तो इसको लगाना होगा, पेंट करते वक्त इसकी जरूरत होती है, वरना आपका गन चोक करेगा, बार बार परेशान करेगा। लेकिन पुट्टी कर रहे हैं तब फिल्टर को निकाल दीजिए। गन में से पुट्टी आना स्टार्ट हो गया है या नहीं देख लेते हैं। और दोस्तों याद रखें इसका प्रेशर कम नहीं होता है, तो जो भी पॉलिश के पेंटर मशीन चलाते हैं उंगली करते हैं, उंगली कट जाएगा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसको कम प्रेशर ना समझें, हाथ कट जाता है लोगों का, ठीक है। तो ये गलती ना करें कि आप इसमें आगे हाथ डाल दें, ये गलती कोई ना करें, प्रेशर बहुत होता है। अब हम प्रेशर बना चुके हैं, मशीन रेडी है पुट्टी करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ और यहाँ थिकनेस में हल्का सा फर्क है। फर्क क्यों है? जब मैं गन तेजी से चलाऊंगा तो मटेरियल कम चढ़ेगा, थिकनेस कम हो जाएगा। अगर अपने को सही थिकनेस चाहिए तो गन को थोड़ा सा स्लो चलाना है। उसका एक और एग्जांपल अब हम यहाँ देख लेंगे। मैं गन जो है ये वाले प्लाई पे गन स्लो चलाऊंगा, बगल वाले प्लाई पे गन फास्ट चलाऊंगा। यहाँ का थिकनेस अलग होगा, अब यहाँ मैं फास्ट चला रहा हूँ। मशीन सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन चलाने का स्टाइल में डिफरेंस है तो थिकनेस में फर्क पड़ जाएगा। आप यहाँ देखें थिकनेस क्या आ रहा है, यहाँ का थिकनेस देख ले क्या आ रहा है,
और सेम चीज आप यहाँ देखें कि थिकनेस कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ आप थिकनेस देखकर देख लीजिए और यहाँ पे थिकनेस कम है। दोनों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ गन चलाने का स्टाइल, मतलब गन चलाने का जो स्पीड था वो मैंने कम रखा एक जगह पे, एक जगह पे ज्यादा रखा। जब स्पीड कम होगा पर क्योंकि बाकी पैरामीटर सेम है, फ्लो रेट सेम है, तो थिकनेस माल ज्यादा चढ़ गया। लेकिन वही चीज जब मैं गन फास्ट चला रहा हूं तो मटेरियल कम लग रहा है, थिकनेस कम हो गया, मटेरियल की भी बचत। मतलब आपका जो लोग सेकंड कोट करते हैं तो ध्यान रखें कि सेकंड कोट जब करना होता है तो आप गन को मूवमेंट थोड़ा फास्ट रख सकते हैं, आपका पुट्टी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो आपके कई लोगों ने तो मुझे फोन करके बताया कि साहब सेकंड कोट में हमने जो पुट्टी बचा ला है उतने में मशीन का कीमत फ्री हो गया। बोला भाई थोड़े एडिशनल पैसे वापस भेज दो, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फंक्शन हो गया, पुट्टी भी कर सकता है, पेंट भी कर सकता है। ये मशीन मोटा माल उठा लेता है, पतला माल आराम से करेगा, दो या तीन गन लगा के भी लोग इससे पेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक और सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा पुट्टी करता हुआ। एक और चीज अपना पेंटर्स को कहना चाहूंगा, जब आप पुट्टी मशीन इस्तेमाल करते हो तो अपना रिटर्न सिस्टम को बचाए रखने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको दो ऑप्शंस होते हैं। एक जो हमने जैसे स्टार्टिंग में दिखाए थे, हमने पानी पास कर दिया, उसके बाद पुट्टी का बाल्टी लगा दिया और बाद में रिटर्न में से पुट्टी निकल गया, हमने चेक कर लिया। या तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हम रिटर्न में से पुट्टी निकाले ना, पानी रखा, पानी जो निकला था वही छोड़ दे, या फिर जब पुट्टी कर रहे हैं तो हर 10-15 मिनट में एक बार ये रिटर्न मोड घुमा लें। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि वो रिटर्न पोर्शन में पुट्टी सूख ना जाए, क्योंकि अगर पुट्टी रिटर्न पोर्शन में सूख गया, समझो मैं 3 घंटे कंटिन्यूस काम कर रहा हूं तो ये रिटर्न लाइन पूरा जाम हो जाएगा। ये ना हो इसके लिए एक सिस्टम रखना है, 10-15 मिनट में एक बार रिटर्न पाइप में से मटेरियल निकाल देना। वो सिस्टम आप फॉलो करोगे, मशीन को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। काम जब शाम को सफाई कर रहे हैं तभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी आप काम करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रोसीड करेंगे। अब आप थिकनेस देख सकते हैं, मैंने थिकनेस पे कॉन्सेंट्रेट किया है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा थिकनेस का, वो जरूरत से ज्यादा ही मिल जाएगा आपको। थिकनेस के लिए कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा। आप देखें ये कितनी मोटी पपड़ी हो गई है। अगर मुझे थिकनेस कम करना है मैं कम कर सकता हूँ, उसके लिए 2-3 ऑप्शन रहेंगे मेरे पास। या तो मैं मटेरियल पतला बना सकता हूँ या फिर मैं गन फास्ट चला सकता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट या जैसे आपको सूज समझ में आता है। अगर मटेरियल पतला रहेगा तो आपको फ्लो रेट स्पीड और ज्यादा मिल जाएगा, या फिर आप अपने आप गन का स्पीड बढ़ा दोगे। जैसे एक और मैं करूंगा जहां आपको दिखेगा कि गन का स्पीड मैंने बढ़ा दिया है तो थिकनेस में फर्क है। और ये हम जानबूझ करके डार्क शेड में ले रहे हैं, डार्क शेड में इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसा कवरिंग कैसा फिनिश आ रहा है। इसको हल्का सा सेंडिंग कर देंगे आप या पुट्टी नाइफ से कर देंगे तो आपको फिनिशिंग बढ़िया मिल जाएगा। 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब एक छोटे से सरफेस पे मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ, उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये थिकनेस कम कर दिया तो कैसे काम हो रहा है, स्पीड कितना बढ़ गया। है ना, तो ये जानकारी आपको और कोई भी मशीन के बारे में पुट्टी स्प्रे करने के लिए कोई किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए, आपको दिए हुए नंबर पे मैसेज करना है, आपके क्वेश्चंस पूछने हैं, मैसेज में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हैं मटेरियल के बारे में मुझे पूछिए, मैसेज कीजिए, TDS भेजिए, रिप्लाई मिलेगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नए वीडियोस आते रहेंगे, आपको नई जानकारी मिलती रहेगी, है ना। थैंक यू। हाँ, और हाँ एक चीज ध्यान रखिए, जो अभी हमने पेंट के मशीन के लिए जैसे सफाई किया था, बेसिक फंडा है, रिटर्न में से साफ पानी आ जाना चाहिए, इधर से साफ पानी आ जाना चाहिए, मतलब कि आपका सिस्टम क्लीन है, मशीन क्लीन है। अगर मशीन क्लीन रहेगा, दूसरे दिन जब आप चालू करोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज शाम को अगर मैं जल्दबाजी में सफाई किए बिना जाऊंगा, दूसरे दिन सुबह मशीन प्रेशर नहीं बनाएगी, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें जब घर जा रहे हैं तो शाम को ये चेक करके जाना है कि रिटर्न होज और गन दोनों तरफ से बिल्कुल साफ पानी, पेंट या पुट्टी वाला पानी नहीं, बिल्कुल साफ पानी साफ कर निकल जाए, ऐसा प्रोसीजर करके जाना है। साइड में साफ पानी हमेशा मिलना चाहिए। थैंक यू।